अपनी टिकटॉक वीडियो से सुर्खियों में आने वाली बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट गोवा में थी, सोमवार को ही उनका निधन गोवा में हो गया। इस खबर के आने के बाद से उनके करोड़ों फैंस में शोक की लहर है। मिली जानकारी के मुताबिक उनका निधन हार्ट अटैक से होने की बात सामने आ रही है। हालांकि फोगाट की मौत को लेकर अभी तक अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। चलिए जानते हैं कि कैसे एक टिकटॉक स्टार ने राजनीति में कदम रखा और कैसा रहा उनका राजनीतिक सफर, किसे टक्कर देने उतरी थी चुनावी मैदान में। दरअसल वह एक टिकटॉक स्टार भी रह चुकी हैं और अपने इसी लोकप्रियता पर सवार होकर वह राजनीति के मैदान में उतरी थी। सोनाली फोगाट ने पिछली बार हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का दामन थामा था। पार्टी ने उन्हें हरियाणा के हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार भी बनाया था। हालांकि वह यह चुनाव हार गई थी। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट पर वह कुलदीप विश्नोई के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी थी। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट लगातार कुलदीप विश्नोई के खिलाफ बयान देती रही है। कुलदीप को लेकर सोनाली फोगाट कई बार इशारों में ट्वीट करके हमला भी बोल चुकी हैं। कांग्रेस से नाराजगी के बीच जब कुलदीप बिश्नोई ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की थी तो उस समय भी सोनाली ने ट्वीट करके कुलदीप के ऊपर तंज कसा था। सोनाली ने कुलदीप बिश्नोई पर शायराना अंदाज में चुटकी लेते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मेरी मेहनत का असर तो देख ऐ जमाने, जमी जो खिसकाई उसके पैरों तले से, आसरा मांगने उसे मेरे ही दर पे आना पड़ा। सोनाली ने इस ट्वीट में बकायदा भारतीय जनता पार्टी और कुलदीप विश्नोई को भी टैग किया था। उन्होंने दावा किया था कि आगामी आदमपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगी और कुछ दिन पहले ही उन्होंने कुलदीप विश्नोई से मुलाकात भी की थी। बीजेपी की हरियाणा इकाई ने उन्हें महिला मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया था। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि सोनाली फोगाट का कैसा था ग्लैमर वर्ल्ड से रिश्ता और कब चर्चा में छाई रही है बीजेपी नेता। सोनाली ने कई छोटे पर्दे के धारावाहिकों में भी काम किया है। सोमवार की रात उन्होंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था। बता दें कि टिकटॉक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सोनाली काफी फेमस रही हैं। इसके अलावा सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस के 14वें सीजन का भी वह हिस्सा रह चुकी है। उनकी एक बेटी भी है। वहीं साल 2016 में उनके पति की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक साल 2006 में हिसार के दूरदर्शन में एंकरिंग के जरिए उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि दो साल पहले कोरोना काल के दौरान जून के महीने में सोनाली फोगाट का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था, जब उन्होंने एक मंडी कर्मी को पीट दिया था। वीडियो में वह हिसार मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह की जमकर पिटाई करती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद वह काफी सुर्खियों में रही। बहरहाल सोनाली फोगाट के निधन से बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।